खबरों की नई पहचान। आज मासस के द्वारा धनसार के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। सैकड़ों लोगों के साथ बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में भारी संख्या में मजदूर और औरतों ने भाग लिया। इस मोर्चा को संबोधित करते हुए रुस्तम अंसारी ने कहा कि बीसीसीएल के ट्रांसपोर्ट को बंद करना है, इसके बाद भी अगर प्रबंधन कहीं नहीं सुनती है तो उनका जो आउटसोर्सिंग का कार्य चल रहा है उसे भी बंद करवाएंगे। 9 महीने से धनबाद प्रशासन भी बीसीसीएल के मैनेजमेंट को आग्रह करते रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। जहां गरीब शोषित लोग यहां पर हैंड लोडिंग करते हुए अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। एक बात जगह हम समझते हैं, जो जहां आज भी भू माफियाओं का या कोयला माफियाओं का नजर आज तक नहीं चढ़े थे, लेकिन यहां पे भाजपा ने राजनीति करते हुए उन्हें लगा जिस तरीके से दूसरे तमाम जगहों पर रंगदारी उपार्जन कर रहे हैं, विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में भी वो आज हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि आज हम लोग फैसला लेंगे कि हम लोगों का आगे क्या करना है। अब हम लोग सीधे सीधी जो बीसीसीएल का ट्रांसपोर्टिंग है उसको हम लोग क्लोज करेंगे, और हम लोग उसके बाद भी यदि बीसीसीएल प्रबंधन नहीं सुनता है तो उसका जो आउटसोर्सिंग चल रहा है, जो कोलरी खदान चल रहा है, उसको हम लोग बंद कराएंगे। क्योंकि आज 600 जनता का भुखमरी के सवाल पर ये आज मैंने प्रदर्शन है। 9 महीना से प्रशासन का, धनबाद प्रशासन का, पीसीएल का मैनेजमेंट को हम लोग आग्रह करते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन सब कान में तेल डाल कर सोया हुआ है। इसलिए आज हम लोग का यहाँ फैसला होगा कि आगे हम लोग कदम क्या करना है। अब जो कुछ होगा ठोस होगा। मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम अंसारी, नगर अध्यक्ष मासस, धनबाद जिला। हम लोगों ने अनाउंस किया जो विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में 17 सालों से यहाँ हैंड लोडिंग गरीब मजदूर कर रहे हैं, और आज कुछ भाजपा वाले यहाँ रंगदारी वसूली के लिए यहाँ पर बंद करके रखे हैं। और भाजपा सत्ता का ताकत दिखाते हुए प्रशासन को भी मौन रखे हुए, हम लोग 24 तारीख से पहले ट्रांसपोर्टिंग बंद करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो प्रोजेक्ट भी बंद करेंगे, उसके बाद भी नहीं होता है तो पूरा एरिया हम लोग बंद करेंगे।